पंजाब दे विच लोक सभा सीट के नामजादगियों का जिहड़ा दिन है वह 7 तरीक रखा गया से और अज 7 तरीक तो यह नामजादगियां जिहड़ियां वा दाखिल होनियां शुरू हो जाणगियां। इस चीज़ को लैके जिहड़ियां तैयारियां जिहड़ियां ने वह किस तरीके दी हैगियां इस लई जानने लई असीं मौजूद हैगे लुधियाना के डीसी ऑफिस। सब तो पहले मैं दिखा देना चाहना वा कि एंट्री गेट बनाया गया लुधियाना डीसी ऑफिस के वास्ते और स्पैशली ये जालियां लगाईयां गईयां ने। तुसीं देख सकते हो कि इस जालियां दे थ्रू ही जिहड़ा वा जिहड़ा कैंडीडेट होगा वह उसके नाल सिर्फ 5 शख्स ही जिहड़े ने वह अंदर जा सकते हैं। इसका साफ तौर पर हिदायत दी गई है और इस एंट्री गेट तो जाते हुए वो लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर जाके अपनी नामजादगी जी है वह दाखिल करवाएंगे। पर उस तो पहला जिहड़ियां तैयारियां जिहड़ियां ने वो मुकम्मल करन दी जिहड़ी है शुरुआत हो चुकी है और इस दे उत्ते एक सवालिया निशान खड़ा हुंदा वा कि 7 तरीक नूं जद नामजादगियां दाखिल करनिया सी कि उस तो पहला प्रशासन नूं इह तैयारियां मुकम्मल कर लेनियां चाहीदियां सी जिहड़ी कि तैयारियां अज सवेरे लगभग 11 बजे तक भी हजे कीतियां जा रहियां ने। भाई साहब ये की कर रहे हो, टेंट ला रहे हो? हाँ जी हाँ जी। किन्ने बजे आए हो तुसीं इत्थे? हम यहाँ 10 बजे। 10 बजे आए हैं। आपको कितने बजे कहा गया था ये तैयारियां पूरी करने के लिए? ये तो मालूम नहीं है। तो कब से लगे हुए हो? कब से लगे हुए हो? आज से लगे हुए। आज से लगे? कल से नहीं लगे? नहीं। बिल्कुल तुम देख सकते हो कि जिहड़े इत्थे मजदूर लगे हुए हैं उन्होंने पक्षों भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिहड़ियां तैयारियां हैगियां ने वो अज तो ही शुरू की गई हैं। तो इत्थों एक सवालिया निशान जिहड़े आ वह प्रशासनिक अधिकारियों उत्ते भी खड़ा हुंदा वा कि अज दे दिन जिस दिन नामजादगियां शुरू हो होणगियां उस दिन तो ही ये जिहड़ी तैयारियां क्यों शुरू की गई ने। तुम देख सकते हो कि हले तक टेंट जिहड़े ने वह लगाए जा रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है और धुप जिहड़ी है कड़क की धुप के जिहड़ी है वह कैंडीडेट जिहड़े आणगे उन्होंने छां चाहिए और छां वास्ते जिहड़ा वा टेंट लगाया जा रहा और तैयारियां हले तक भी किसी तरीके की मुकम्मल नहीं हुई ने। तो इस चीज़ को लैके जिहड़ा वा प्रशासनिक अधिकारियों भी इसका कितने कितने जवाब देना पड़ेगा कि जे अगर उन्होंने पता सीगा कि 7 तरीक तो नामजादगियां शुरू होनिया ने तो उस तो पहला ये तैयारियां मुकम्मल करनिया उन्होंने वाजिब सीगियां और जरूरी सीगियां। हाल फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी जिहड़े ने वो इस वेले किसी भी तरीके से किसी भी मीडिया पर्सन नाल गल नहीं कर रहे हैं क्योंकि नामजादगियों का जिहड़ा जोर है वह शुरू हो चुका वै। बेशक हले तक किसी भी तरीके का कोई भी उम्मीदवार अपनी नामजादगी दाखिल करने वास्ते इत्थे नहीं पहुँचा वै, पर दूजे पासे असीं गल करिए तां इह नामजादगियां अज 7 तरीक तो लैके 14 तरीक तक चलनगियां और उस तो बाद 15 तरीक नूं इन्हां नामजादगियों की जिहड़ी है कागज़ां की चैकिंग होगी और 16 तो 17 तारीख जिहड़ी रखी गई है वह नामजादगी वापसी लैण दा रख्या गया वा। सो अज तो सारयां नूं जिद्दां पता हैगा कि अज जो कि 7 तरीक हैगी है अज तो फेस जिहड़ा लास्ट फेज है जिहदे विच इलैक्शन पंजाब दे विच होणी है उहदी नोटिफिकेशन हो चुकी है जिस नाल ही साडे नामजदगी पेपर लुधियाने पीसी दे पार्लीमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी लुधियाना दे मेरे दफ्तर दे विच रिसीव हो सकते हैं। ये जिहड़ी प्रक्रिया है 14 तरीक तक चलनी है ते 11 बजे तो लैके 3 बजे तक नॉमीनेशन पेपर इस दफ्तर दे विच ही प्रेजेंट किए जा सकते हैं। कैंडीडेट्स की मदद लई असी बाहर एक हेल्प डेस्क भी लगाया हैगा है। 100 मीटर का असी घेरा जिहड़ा हैगा है डीमार्केट कर चुके हैं जिहदे विच अगे उन्हां दी गड्डियां नहीं आ सकदियां हैगियां ते इस कमरे दे विच कैंडीडेट दे नाल 4 लोग होर आ सकते हैं मैक्सिमम, उस तो वध लोग नहीं आ सकते। एक तो यह हैगा है। सैकेंडली मैं ये भी क्लीयर करना चाहती हाँ कि हालांकि 10 तरीक नूं छुट्टी डिकलेयर हुई है नामजदगी पेपर लैण लई 10 तरीक छुट्टी नहीं है ते नामजदगी पेपर जिहड़े हैं 10 तरीक नूं भी दाखिल किए जा सकते हैं। सिर्फ 11 ते 12 मई नू छुट्टी है जिस ये दो दिनों के जिहड़ी है नामजदगी पेपर इस दफ्तर के प्राप्त नहीं होंगे। इस तो इलावा अज नोटिफिकेशन के नाल नाल जिहड़ी साडी SSTs हैं जिन्हां नू आपां कहिंदे स्टैटिक सर्वेलेंस टीम वो भी साडे पूरे ज़िले के 14 हल्कों के 9 टीम लग चुकी हैं ईच, मतलब एट अ टाइम 3 टीम साडियां 8-8 घंटे दियां शिफ्टां दे विच काम करनगियां। ये फ्लाइंग स्क्वाड तुहानू ऑलरेडी पता हैगा है ये जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस होया सीगा उस दिन तो ही काम कर रहियां हन ते जद नॉमीनेशन पेपर कोई भी उम्मीदवार प्रजेंट करते हैं उस दिन तो उन्हां दा खर्चा जिहड़ा है बुक होना शुरू हो जाता है उन्हां दे नाम ते। हुण तक जिहड़ी भी किसी राजनीतिक पार्टी वल्लों कोई कैंपेन जां रैलीज होई हैं वो सारा खर्चा हुण तक जिहड़ा सीगा राजनीतिक पार्टी के खाते के विच दर्ज होया सी
ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ECI ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਨੀਅਰ IRS ਆਫਿਸਰਸ ਬਤੌਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਓਬਜ਼ਰਵਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ PC ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫੁਸਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 100 ਮੀਟਰ ਡੀਮਾਰਕੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਸਨਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾਖਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ DPRO ਸਾਹਿਬ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਕਵਰ ਇਟ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਓਥ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦਡਰੋਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 17 ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਆਨਸਰਸ ਆਲ ਦ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 3 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਆਤਮਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ PC ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਹੈਗੀਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਤਲਬ 14 'ਚੋਂ 5 ਹੈਗੀਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੋ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ PC ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਹਲਕੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਅੱਡ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ PC ਇਕੱਲੇ ਲਈ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਓਬਜ਼ਰਵਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ AEOs ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਓਬਜ਼ਰਵਰਸ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਊਇੰਗ ਟੀਮਸ ਵੀਡੀਓ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਫੈਕਟ ਰੋਜ਼ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਯੈਸ ਸੋ ਫੋਰ ਐਨੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਫਾਰ ਈਵਨ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਕ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਭਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੱਢੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏਗੀ
सो जी परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर मैक्सिम है वो 95 lakhs हैगी है फॉर द कैंडीडेट. सो ये चीज़ असी पोलीटिकल पार्टीज़ नू भी बकायदा दस चुके हैं. वोटर नू की कोई अपील? वोटर्स नू मैं दोबारा ही अपील करांगी कि हुण असी इलेक्शन रोल जिहड़ा है फ्रीज़ कर चुके हैगे हैं. साडे कोल आई एम वेरी हैप्पी टू स्टेट कि साडे कोल फर्स्ट टाइम वोटर्स ऑल मोर दैन 50,000 शायद इत्थे रजिस्टर हो जाएंगे बिकॉज जिनी एप्लीकेशन साडे कोल 4 तरीक तक आई सी उन्होंने असी हूँ प्रोसैस कर रहे हैं. सो जिहड़ा फाइनल फिगर्स है असी तुहानू 14 तरीक तक दस पावांगे. सो हुण साडा जिहड़ा रोल है वह फाइनल हो चुक्या हैगा है. इस बारी जिहड़ा हैगा मैं सारिआं नू यही अपील करांगी कि हीट वेव जरूर उहदा वार्निंग जरूर हैगी है, बट जिदा असी जे कैंडीडेट्स लई भी असी जदों नॉमीनेशन पेपर भरन आ रहे उन्होंने भी असी अरेंजमेंट किया होया है बिकॉज उन्होंने तुर के आना है. सिमिलरली हरेक पोलिंग स्टेशन हरेक पोलिंग लोकेशन के उत्ते असी एडिक्युएट अरेंजमेंट्स जिहड़ियां ने फॉर शेड नींबू पानी सारा कुछ उत्थे किया हुआ है. 100% साडे पोलिंग बूथ्स के उत्ते तुहानू यह फैसिलिटीज़ मिलनगियां. मेरी रिक्वेस्ट ये भी हैगी है कि असी एक क्यू मैनेजमेंट ऐप भी जल्द ही लॉन्च कर जा रहे हैं जिहड़ा कि तुसी अपने मोबाइल ते भी खोल के देख सकते हो कि तुहाडे बूथ के उत्ते लाइव उस टाइम पर किन्ने लोग खड़े हैं लाइन के विच. सो तुसी एक्चुअली ये सुविधा यूज़ करते हुए तुसी डिसाइड कर सकते हो कि हाले 5 जने लगे मैं हुण जाके वोट पा आनी है. मतलब इट्स अप टू यू. सो वी आर रियली ट्राइंग वेरी हार्ड टू इंश्योर कि तुहानूं कोई तकलीफ ना आवे. पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी असी जिहड़े साडे सीनियर सिटीजनज ने जां साडे पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैगे हैं असी पिक एंड ड्रॉप उन्हां नूं घरों पिक करके पोलिंग बूथ ते ले जाके वापस भी ड्रॉप कर रहे हैगे हैं. हरेक सैक्टर मैजिस्ट्रेट की ही ड्यूटी लगी हुई है. सो मैं वोटर्स नूं यही अपील करांगी दैट वध तो वध तुसी इस बार 70 पार दा टर्नआउट जरूर लुधियाणा ने करना हैगा है. ये मेरी दोबारा अपील हैगी है. मैं बार बार ये अपील करी जावांगी ऑफकोर्स टिल डेट ऑफ इलेक्शन. 1 जून की जिहड़ी मिति है बहुत खास है, तुसी सारिआं ने ध्यान च रखनी है. मैं एक गल भी दसना चाहुंदी हाँ कि पोलिंग स्टाफ जिहड़ा है उन्हां दा भी वोटिंग राइट्स कीमती हैगे हैं. उन्हां नूं EDC एंड पोस्टल बैलेट राही वोटिंग दी फैसिलिटेशन कराई जाएगी. एंड स्पैशली असी इस बारी क्रैश फैसिलिटी स्पैशली कोई सिंगल पेरेंट्स हैगी हैं जां जिन्हां दे घर कोई होर रिलेटिव जां रिश्तेदार नहीं है जो कि बच्चों नूं सांभ सकते हैं, तो उन्होंने स्पैशली असी क्रैश फैसिलिटी भी 14 हल्कों के विच शुरू कर रहे हैं, जो जिसका लाभ पुलिस ऑन ड्यूटी जिहड़ी पुलिस फोर्स होएगी वो भी ले सकती है. सो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू इंश्योर कि हरेक परसन नूं सुविधा भी होवे ते अपना काम भी वो पूरी तरह निभा सकन. जर्नलिस्ट नूं भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहुंदी हाँ कि तुसीं भी अपना जिहड़ा फॉर्म हैगा एसेंशियल सर्विसिज दे विच ECI दी जिहड़ी लिस्ट आई है फॉर जर्नलिस्ट, वो भी तुसी फैसिलिटेशन सेंटर ते वोट पा सकते हो. अपना जिहड़ा फॉर्म है तुसी DPRO तो कलैक्ट कर सकते हो. वोटर नूं जिहड़ा लुभाण वास्ते कैंडिडेट्स कुछ कर रहे ने या कुछ ऑफर्स करनगे उन्हां वास्ते भी कोई अपील? सो साडा अगेन साडी यही रिक्वेस्ट है कि आपां जिहड़ा वोट पाउणा हैगा है वो वोट हरेक कैंडिडेट ने कोई मैनीफेस्टो अपना कढ़ना हैगा है. उहदे विच भी ECI दे बहुत ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स ने कि कैंडिडेट जो कर कोई वादा करता उन्हें यह भी दिखाना होगा कि किस तरीके नाल वो वादा पूरा कर सकता होगे. जेकर असी किसी भी इहदे विच आ जाते हैं कि करप्शन मैल प्रैक्टिसिज जिन्हां नूं आपां कहिंदे हैं जां कोई तुहानूं डरा धमका के वोट लैंदा तां इह पनिशेबल ऑफेंस है, एक बहुत वड्डा क्राइम है. सो इहदे लई साडी स्ट्रिक्टली टीम्स बनिया हुई हैं. तुसी CVigil ऐप जिहड़ी हैगी है उस ते तुसी रिपोर्ट भी कर सकते हो जे इदां दा कोई भी तुहाडे सामने इदां दा इंसीडेंट आउंदा हैगा है, ते तुसी अपनी वोट जिहड़ी है किसी दे बहकावे दे विच नहीं आके पाउणी. एक्चुअली कंटेंट जां जिहड़ा ECI कहिंदा है ना, मसल पावर चलनी चाहीदी है इहदे विच. तुहानूं कोई इंटीमीडेट ना करे, तुहानूं कोई डराए ना, धमकाए ना, ना तुहानूं कैश जां लिकर दा जां किसी होर तरीके दी वस्तु दा किसी भी लालच दा सहारा लैके तुहानूं वोट तुहाडे तो लैण दी कोशिश करे. सारे बहुत बड़े क्राइम्स हैगे हैं. तां साडी जिहड़ी FST टीम्स बनियां होईयां ने वो 100 मिनट के उन्होंने रिस्पोंड करना लाजमी है, तो असी सख्त एक्शन भी ले रहे हैं. ऑलरेडी लुधियाना के 4 FIRs ऑलरेडी हो चुकी है फॉर डिफरेंट मैल प्रैक्टिसिज. सो कमीशन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. तुहाडे राही मैं दोबारा यही मैसेज भी देना चाहती हूँ कि इंटीमीडेशन, मसल पावर तो इस तरीके का कोई भी लालच जिदा कैश या लिकर या किसी तरीके का भी लालच इलेक्शन दे विच बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, क्राइम है. तो जिहड़े वोटर्स हैं उन्होंने भी मैं अपील करांगी कि तुसी वोट जिहड़ी पाउणी हैगी है
बिना डरे जा बिना किसी लालच दे तुसी पानी हैगी है ते साडे BLOs भी तुहाडे नाल जुड़ रहे हैगे साडे BLOs डोर टू डोर जाके तुहानू इस बारे भी जानकारी दे रहे हैगे हैं जे किसी दे भी कोई कंप्लेंट है सी विजिल ऐप है जां तुसी सानू सिंपल व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे ते भी जे तुसी पाउंदे तां असीं सुओ मोटो उहदा कॉग्निजेंस लैंदे होए असीं एक्शन लै रहे हैगे सो अगेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट परमिटेड फॉर रैलीज एंड कैंपेन्स सो ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिहड़ा कि इलेक्शन कमीशन ने सानू सर्कुलेट किया होया है कि स्कूल्स एंड जिहड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो किसी भी रोड शो या रैली दे लई नहीं वरते जा सकते हैगे हैं जेकर कोई किसी तरीके की भी असी रोड शो की या कोई भी तरीके की असी रैली कढ़नी हैगी है ऑल द पोलिटिकल पार्टीज आर बाय नाउ अवेयर कि जिहड़ी सुविधा दे उत्ते सुविधा पोर्टल उन्होंने स्पेशली बनिया होया है कि एक वन स्टॉप एक फैसिलिटी है कि सारी परमिशन भावें फायर की होवे भावें किसी चीज़ की भी होवे तुहानू उत्थों मिल सकती है तो उत्थे ही तुसीं 48 आवर्स अपने इवेंट तो पहला अप्लाई कर लो तुहानू आराम नाल टाइमली परमिशन जिहड़ियां दित्तियां जा रही हैं एज ऑफ नाउ कोई भी इदा की परमिशन बियॉन्ड टाइमलाइन लुधियाना दे विच पेंडिंग नहीं हैगी है सिक्योरिटी दे पुख्ते प्रबंध हैगे हैं जिदा ये मैं दस रही थी कि 100 मीटर का जिहड़ा रेडियस मेनटेन होना है इलेक्शन के टाइम सो एज ऑफ नाउ 3 जिहड़ी CAPF की कंपनीज इत्थे मौजूद हैगी है 70 की डिमांड है सो हुण तो ये फोर्स जिहड़ी बाहरली फोर्स है CAPF ये इलेक्शन कमीशन वालों सारे ज़िलों के भी भेजी जा रही हैगी है साड़ी फिर भी एज यू आर अवेयर कि असी इस तो पहला भी नाके लगा रहे सीगे जॉइंट नाके लग रहे सीगे एक्साइज टीम्स दे नाल भी लग रहे सीगे एंड नाउ हुण साडे अज तो स्टैटिक जिहड़ी टीम्स है स्पेशल टीम्स हैगियां एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट दे नाल 4 पुलिसकर्मी स्पेशल नाके लगा रहे हैगे अज तो सो सुरक्षा दे पॉइंट ऑफ व्यू तो सारा कुछ ही साडा ऑन ट्रैक हैगा है एंड हुण तो जिहड़ी अपनी EVMs दी भी रैंडमाइजेशन हुई है वो भी जल्द अपने प्री पोल स्ट्रोंग रूम के पहुँच जाएगी अंडर प्रॉपर सिक्योरिटी उत्थे भी स्पेशल सिक्योरिटी लगेगी थैंक यू जी थैंक यू सर